गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर वेल एट योर होम। सो स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग पेज नंबर 55 फ्रॉम योर कोर्स बुक मैथ क्लास 3। क्वेश्चन नंबर 2, रीड एंड सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। कि इन वर्ड प्रॉब्लम्स को आप रीड भी करोगे और इनको सॉल्व भी करोगे। क्वेश्चन ए, अ नंबर इज 256 मोर देन 594। क्वेश्चन ए आपका है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अ नंबर इज 256 मोर देन 594। व्हाट इज़ द नंबर? एक ऐसा नंबर आपको निकालना है जो 594 से 256 टाइम ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा है। जब आपको ऐसी क्वेश्चन आती है तो इसका मतलब है आप इसमें प्लस करते हो, एडिशन करते हो। ठीक है, तो सी द क्वेश्चन। बट बिफोर यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू हैव टू राइट वंस, टेंस, हंड्रेड। मीन्स आपको इनकी पोजिशन ज़रूर राइट करनी है। कोई भी क्वेश्चन हो एडिशन का चाहे सब्ट्रैक्शन का। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 594 को अब ऊपर लिखा है क्योंकि हमने इसी से 256 टाइम मोर देन ज़्यादा जाना है आगे, उसको मैंने नीचे राइट किया है। देन स्टार्ट टू ऐड, सभी को एडिशन आता है और कोई भी बच्चा लाइंस लगा के एडिशन नहीं करेगा। ठीक है, आपने इसको फिंगर्स पे ही ऐड करना है। ये बहुत गंदी हैबिट है जो लाइंस लगा के हम इजी सॉल्यूशन इसके निकाल लेते हैं। तो देन वी ऐड 594 प्लस 256, वी गेट 850। तो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट इज़ द नंबर? द नंबर इज़ 850। ठीक है, क्वेश्चन बी, इन एन इलेक्शन देयर वर टू कैंडिडेट्स, वन कैंडिडेट गॉट 319 वोट्स। एक इलेक्शन हुआ, इलेक्शन आपने देखे होंगे, उसमें कैंडिडेट्स दो थे। ठीक है, एक कैंडिडेट को 319 वोट्स मिले और अदर को, मतलब दूसरा उसका जो कॉम्पिटिटर था उसको 387 वोट्स मिले। तो आपको क्या निकालना है, हाउ मेनी वोट्स फॉर पोल्ड इन ऑल, कि टोटल कितनी वोट्स का पोलिंग हुई, कितने वोट्स टोटल थे रहे। ठीक है, हमें यहाँ तो दिया गया है कि दो कैंडिडेट थे, इसको इतने वोट मिले, इसको इतने वोट, लेकिन आपको टोटल आपको बताना है। ठीक है, तो मैंने वैसे ही किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट वंस, टेंस, हंड्रेड, मीन्स नंबर्स प्लेस। देन आफ्टर दैट आई राइट 319 एंड 387 एंड आई एम गोइंग टू ऐड बोथ नंबर्स एंड आई गेट 706। इट मीन्स टोटल वोट्स आर 706। ठीक है, क्वेश्चन आया आपको समझ में? थर्ड वन, क्वेश्चन नंबर सी, देयर वर 344 स्टूडेंट्स इन स्कूल वन। कि एक स्कूल में 344 स्टूडेंट्स हैं। एंड देयर, सेकंड लाइन, देयर आर 187 स्टूडेंट्स इन स्कूल टू, और दूसरे स्कूल में 187 स्टूडेंट्स हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन बोथ इन स्कूल्स? और हमें बताना है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, 344 एंड 187 को हम ऐड करेंगे, जैसे मैंने आपको दिखाया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट वंस, टेंस, हंड्रेड, आफ्टर दैट यू हैव टू राइट 44 एंड 187 एंड आफ्टर दैट वी गेट नंबर 531। दीज आर 531 स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ टोटल स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल वन एंड स्कूल टू। दीज आर वर्ड प्रॉब्लम्स, तो आपने इसको समझ के अच्छे से करना है। ठीक है, आप ये वर्ड्स प्रॉब्लम अच्छे से समझिए और डी पार्ट आप खुद सॉल्व कीजिए इसका। ठीक है, और लेट्स ट्राई थ्री का आपको एट द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर वन, इसके भी सभी पार्ट आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आपको वर्ड प्रॉब्लम्स अच्छे से समझनी है और मैं आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स अपनी तरफ से भी दूंगी सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व इट बाय वॉचिंग द वीडियो एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। थैंक यू।